से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान शुभ पावन मंगल ये दिन प्रभु तुमसे मिला वरदान उल्लास भरा प्रभु ये दिन हर्षित करता तन मन नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए हम करते हैं तुझको प्रणाम खुशियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान करते हैं तेरा गुणगान करते हैं तेरा गुणगान हे प्रभु प्रेरित पेत्रुस और गैर यहूदियों के आचार्य पौलुस ने हमें तेरे नियमों का पालन करना सिखाया पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों आज माता कलीसिया दो प्रेरित पेत्रुस और पौलुस का पर्व मनाती है और हम जानते हैं कि पेत्रुस कलीसिया के स्तंभ है पौलुस जिनके द्वारा जो प्रभु के वचन का प्रचार हुआ है हमें भी चाहिए कि वैसे ही जोश वैसा ही मनोभाव वैसे ही लगन हम सभी के मन और दिल में रहे प्रभु से प्रार्थना करते हैं दोनों शिष्यों के लिए पेत्रुस और पौलुस के लिए कि हमें भी उनके जैसा मनोभाव मिले ताकि हम प्रभु के कार्य में जहाँ कहीं भी रहो हमें कोई बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है पर जहाँ भी है जिससे भी मिलते हैं हम प्रभु के वचन को प्रभु के बारे में हमारे कार्यों हमारे व्यवहारों के द्वारा उन्हें बताते रहे आज के इस पवित्र मिसा बलिदान के सभी निवेदनों के प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जिन्होंने विशेष अर्जियां की है और आज जिनके भी फीस्ट है जिनके भी त्यौहार हैं पेत्रुस और पौलुस के प्रभु उनकी मध्यस्थता के द्वारा पेत्रुस और पौलुस की मध्यस्थता के द्वारा उन सभी को अपना आशीर्वाद देते रहे आइए तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है इसलिए मैंने तिकुआरी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे आमीन करो भगवन दया करो भगवन दया करो भगवन दया करो भगवन दया करो हे क्रिस्त प्रभु करो भगवन दया करो भगवन
अति स्वर्ग में महिमा हो, भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं। महिमा हम सब गाते हैं, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए हो वे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाता जगदीश्वर, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए हो जयकार। हे प्रभु येसु क्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर, पिता की दाहिने ओर तू विराजमान, दया कर हम पर सदा, दया कर विनती हमारी सुन कर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु येसु क्रिस्त है, पान आत्मा संग में परम पिता के नूर में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, ऐसी कृपा करके धन्य प्रेरित पेत्रुस और पौलुस की मध्यस्थता के द्वारा हम सभी विश्वास में दृढ़ बने रहे। सर्वप्रथम इन्होंने ही तेरी कलेसिया को स्वर्गीय शिक्षा दी थी, अब ये अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 11। अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया है। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेत्रुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में डाल दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेत्रुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए अनुग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसकी पहली की रात को पेत्रुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेत्रुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेत्रुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया।
दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेत्रुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वह पहले पहर और फिर दूसरे पहर पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली की छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेत्रुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बुलावा मिला मुझे जीवन मिला प्यार का, ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूँ तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊँ मैं काम हो। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊँ मैं काम हो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधारिता। मुझे तेरा बुलावा मिला मुझे जीवन मिला प्यार का, ओ प्रभु क्या मैं तुझे बोल दूँ तेरे अनमोल उपहार का। दूसरा पाठ, तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 6-8 और 17-18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार रखा है। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा, आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं यरीमिस अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया दो बड़े प्रभु के अनुयायियों का पर्व मना रही है, पेत्रुस और पौलुस। और हम दोनों के बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रभु के शिष्यों में ये दो शिष्य लोग, उन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ किया। आज का जो पाठ के बारे में जब भी मैं उसे सुनता हूं, तो मुझे जब बचपन में श्री कृष्णा जो सीरियल या रामायण ऐसा देखता था, तो वह बात एकदम से याद आती कि किस प्रकार श्री कृष्णा को उस वहाँ पर बंदी ग्रह से बाहर जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। और यही बात आज के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि पेत्रुस जो कि बंदी बना गया था, और उसके बाद प्रभु ने वैसे ही उसे बड़े अचंभे के साथ उसे रिहा करा, सब कुछ चमत्कार हुआ। जो पहरेदार थे सो गए, बंधन या फिर बेड़ियां जंजीरें टूट गई, दरवाजे खुल गए, और बिल्कुल बेखौफ आत्मनान के साथ पेत्रुस उस बंदीगृह से जेल से बाहर आ गए, हम कभी सोच भी नहीं सकते। और जो उस समय हुआ, आज उसकी परिकल्पना हम फिल्मों में या नाटकों में देखते हैं, जो पहले हो चुका है, जो हो सकता है और जो हुआ है वह आज हम देख रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रभु ने उस समय से लेकर अभी तक इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। प्रभु ने उनके अनुयायियों को, उनको, उनके प्रेरितों के लिए बहुत कुछ किया। वो चाहते थे कि उनका सर्वनाश न हो, क्योंकि उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और इसलिए प्रभु ने हर मुसीबतों से उन्हें बचाया। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि तीन बातें, कि जहां पर एक आइडेंटिटी के बारे में, कि मेरी पहचान क्या है, उसके बारे में प्रभु पूछते हैं शिष्यों से। दूसरा कि बंधन और मुक्ति के बारे में कह रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी पर जिसे बंद करोगे या जिसे बांध के रखोगे वो बंधन में रहेगा, और जिसे मुक्त करोगे वह मुक्त होगा। और हमें भी चाहिए कि जिस प्रकार प्रेरित और शिष्य लोग प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर
उनके अनुयायी बने, हम भी कुछ हद तक प्रभु के लिए करें। प्रभु आज के सुसमाचार में शिष्यों से कहते हैं कि मैं कौन हूं। बहुधा हमारे जीवन में भी यह सवाल हम कभी कभार अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार में यह करते हैं, क्या लगता है तुम्हारे साथ शादी की है और हम तुम्हारे माता पिता है, क्या हम कौन है तुम्हारे लिए, तुम हमको समझ नहीं। जब दूसरे सामने वाले हमें समझते नहीं तो वह हमारे जहन में, हमारे दिल में ये बात आती है, हम पूछते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, जो हम परिवार में रहते हैं, तुम हमें समझ नहीं रहे, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि तुम बताओ मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। ठीक वही बात प्रभु आज अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि बताओ तुम कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। बहुत सारे शिष्य लोग प्रभु के पीछे चल रहे थे, उन्होंने देखा था प्रभु के चमत्कारों को, उनके बड़ी बड़े कार्यों को, और इसलिए प्रभु चाहते थे कि ये जो मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरे अनुयायी बन रहे हैं, तो मैं समझूं तो सही कि मैं कौन हूं इनके लिए। और इस पर पेतरुस कहता है कि प्रभु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है, और प्रभु कहते हैं कि पेतरुस तुम चट्टान हो। चट्टान इसलिए कि चट्टान जहां पर नींव रखी जाती घरों की, कोई भी इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर जब भी घर बनाता है वो तब तक खोदता रहेगा जब तक वहां पर उसको कठोर जमीन ना मिले, क्योंकि कलमट जमीन पर मकान बनाने पर दराड़े होती है। हमारे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे बहुत सारे घर हैं जो ढहेंगे तो नहीं लेकिन उन पर दराड़े आती है, क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर नहीं है, वो कठोर जमीन पर नहीं बना हुआ है। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इसी कारण प्रभु के प्रेरितों के कारण, उस पेतरुस की कलीसिया की चट्टान के कारण ही आज मैं और आप यहां पर रहे। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस चट्टान पर जो कलीसिया बनाई गई है, हम सभी को उसके विश्वास में दृढ़ करे। जिस प्रकार प्रेरितों का विश्वास था और जो जोश था, जो जुनून था प्रभु के कार्य करने के लिए, कुछ हद तक हमें भी मनोभाव दे प्रभु। उसके बाद प्रभु कहते हैं कि जिस बात की तुम निषेध करोगे इस पृथ्वी पर उसका निषेध रहेगा, और जिस बंधन से तुम मुक्त करोगे उसका उसकी मुक्ति मिलेगी। यहां पर हम देखते हैं पाप स्वीकार के बारे में। हम देखते जानते हैं कि जब भी हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं और पुरोहित के द्वारा जो भी हम पाप स्वीकार करते हैं उस बंधनों से हमें प्रभु मुक्ति देता है, पुरोहित नहीं देता, और इसलिए हमें चाहिए कि बार बार जब कभी मौका मिले हम उस पाप स्वीकार में भाग ले। परंतु विडंबना यह है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज इस समय में, इस परिस्थिति में पाप बोध कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि यह तो सब कर रहे हैं, यह तो सब चलता है। कभी भी मन में, जहन में, दिल में यह बात नहीं आती कि यह सही नहीं है। वो पाप बोध कम हो चुका है, पाप बोध खत्म ही हो चुका है। सब समझते हैं कि हाँ यह तो सब चलता है, यह आम बात है, गाली देना आम बात है, सब बोल रहे हैं। इंटरनेट पे जो सब देख रहे हैं वो आम बात है, सब देखते हैं, इसमें बुराई क्या? सब अलग अलग रिलेशनशिप में जुड़े हुए, आम बात है, सब कुछ कर रहे हैं, फ्लर्टिंग सब चल रहा है, तो इसमें ये पाप नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि ये आज का जमाना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो रहा है, सब कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात नहीं है। परंतु सोचने की बात है कि यह जो प्रभु के समक्ष कार्य होता है वह गलत है, और इसलिए हमारी कलीसिया में वह पाप बोध कम हो चुका है, हम उसे गलत नहीं समझ पा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं तो वह सही है, हम कर रहे हैं तो वह हम भी सही है। उस बात की हमें अपने अंततम में झांक कर देखना है कि प्रभु हमें वह मनोभाव दे कि हम उस बात को समझ, जो दूसरे कर रहे हैं हम वह नहीं करें। प्रभु हम दूसरों को भी समझाए और प्रभु के पास लाने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहे। फिर हम देखते हैं कि जिस प्रकार साउल प्रभु के अनुयायियों को नष्ट करना चाहता था, वह पॉल बनता है और एक यू टर्न उसके लाइफ में आता है। दमिश्क में वो बड़ा चमत्कार देखते हैं, वह वहां पर प्रभु के अनुयायियों को खत्म करना चाहता था, परंतु प्रभु उसे वापस लेकर आता है, यू टर्न उसके लाइफ में आता है। क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में भी इस प्रकार का बदलाव लाए, इस प्रकार कुछ करें ताकि हम भी प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु के हमारे सभी कार्यों को छोड़ते हुए या फिर प्रभु के लिए कुछ हद तक जहाँ पर भी रहे, जो भी रहे, जैसे भी रहे, हम कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करते रहे, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मेरे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टि करता, एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र आध्यात्मिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए, सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो I don't
भाइयो बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरित पेत्रुस और पौलुस के परोत्सव पर हम ये दान तेरी वेदी पर अर्पित करते हैं। हम अपने पुण्य कर्मों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मुक्ति प्राप्ति के लिए तेरी प्रेमपूर्ण दया पर आश्रित है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगति। हमारे कर्तव्य तथा कल्याणी के हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हे शाश्वत घड़ी दिए, तूने अपने रेवण को कभी नहीं त्यागा, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उनकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गढ़े नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, संतों और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन पारों पर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवंत की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों के भी सुदीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक थिरदार चुके हैं, उन्हें और सभी व्रतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आए क्वेश्चन मौन रहकर हमारे परिवार से और जितने भी परिचित जन हैं जो हमारे बीच में नहीं है इन दिनों, विगत दिनों में हमसे विदा होकर प्रभु के पास है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके हर बंधनों से छुटकारा के लिए हम उन्हें याद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही दाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर, क्योंकि अनु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? प्रभु, आप सब जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा अपने विश्वासियों को आलोकित किया है, ऐसी कृपा कर कि स्वर्गीय संस्कार के सामर्थ्य से हम विश्वास में सदा दृढ़ बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को आत्मा का बलिदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक अभिषेक, मेरा अभिषेक अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार सुनाने समाचार निर्धनों को, बंधाने ढारस दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को। उसने मुझको चुन लिया, जा गया है मुझ पर।